किसी परिवार की वंशावली कितनी लंबी कितनी पुरानी हो सकती है, इस बात पर कभी गौर किया है? मान लीजिए हम और आप जैसे लोग हैं, वो भी अपने परिवार या अपने आसपास के परिवार का भी ज्यादा से ज्यादा 100-200 सालों का इतिहास जानते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस दुनिया में एक ऐसा परिवार भी है जिसका इतिहास 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है और उस परिवार के लोग आज भी इस संसार में अपनी जगह बनाए हुए हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऐसे परिवार की जिसका इतिहास 1000 भी नहीं बल्कि 1300 साल पुराना है। तो बात हो रही है ब्रिटेन की रॉयल फैमिली यानी कि शाही खानदान की, जिनके परिवार से कोई ना कोई नवी शताब्दी से लगातार राजगद्दी पर बैठते हुए आया है। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है श्रेयस और आज हम कुलवृक्ष वंशावली में बात कर रहे हैं ब्रिटेन की रॉयल फैमिली के पारिवारिक इतिहास, उनके परिवार की वंशावली, उनके पूर्वजों के बारे में और आज कौन कौन है इस परिवार का हिस्सा। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। तो जो ब्रिटिश साम्राज्य है, इसकी शुरुआत हुई थी 871 ईस्वी में, जिसको फिलहाल संभाल रही हैं क्वीन एलिजाबेथ II। और जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, वो अपने परिवार की मुखिया होने के साथ साथ फिलहाल हेड ऑफ कॉमनवेल्थ भी हैं। क्योंकि आज के समय में राजशाही तो है नहीं, इसलिए इंग्लैंड की तरफ से इस रॉयल फैमिली को कुछ विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अब ये कौन से अधिकार प्राप्त हैं, इस बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा चर्चा का विषय है उनकी वंशावली के बारे में, तो उसी की बात करेंगे। लेकिन हाँ, एक जानकारी देना चाहता हूँ कि जो हेड ऑफ कॉमनवेल्थ है, तो इस कॉमनवेल्थ में वो सारे देश आते हैं जहां पर ब्रिटिश साम्राज्य अपना राज कायम कर चुका है या फिर उसके साथ व्यापार वगैरह करता है। तो जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, वो किंग एल्फ्रेड द ग्रेट की 35वीं पीढ़ी की वंशज हैं और उनके परिवार का इतिहास और वंशावली की शुरुआत यहीं से होती है, किंग एल्फ्रेड द ग्रेट से। तो जो किंग एल्फ्रेड थे, वो थे वेसेक्स के राजा, जहां पर उन्होंने सन 1871 से 1899 ईस्वी तक राज किया। अब वेसेक्स के बारे में बता दूं तो ये इंग्लैंड के दक्षिण इलाके का नाम था, जिसे उस समय वेसेक्स ही कहा जाता था। तो 899 ईस्वी तक इनका राज चला। फिर एल्फ्रेड के बाद उनके बेटे एडवर्ड आए, जिन्होंने 899 से 924 ईस्वी तक वेसेक्स की राजगद्दी संभाली। फिर उनके बेटे आए, इनका नाम था एथेलस्टीन। तो एथेलस्टीन ने 924 से 927 तक वेसेक्स पर राज किया, लेकिन इस बीच उन्होंने कई सारे युद्ध भी लड़े और 927 ईस्वी में एथेलस्टीन ने यॉर्क किंगडम को जीत कर सारे इंग्लिश क्षेत्र जो थे उनको सूत्रबद्ध किया और इस तरह से आया इंग्लैंड अस्तित्व में और एथेलस्टीन को पहला इंग्लैंड का राजा बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अब जो कि एथेलस्टीन की कोई संतान तो थी नहीं, तो जब वो मरे तो उनके बाद सत्ता संभाली उनके चचेरे भाइयों ने, एडमंड और एडरेड। और फिर जब एडमंड के पोते एथेलार्ड 978 ईस्वी में राजा बने तो उनको फिर चुनौती मिलने लगी और चुनौती मिली डेनमार्क के राजा स्वेन फोकबियर्ड से। तो 1013 की बात है, स्वेन फोकबियर्ड से एथेलार्ड युद्ध हार गए, लेकिन 2 साल तक एथेलार्ड ने अच्छा खासा इंतजार किया और अपनी पूरी ताकत से फौज इकट्ठी करके स्वेन को मार गिराया और फिर दोबारा इंग्लैंड के राजा हुए। लेकिन जो राजा महाराजाओं का जीवन है वो हिंदी फिल्मों से कुछ कम नहीं होता है। अगर कोई सरदार खान यहाँ मरता है तो फिर कोई ना कोई फैजल खान दोबारा पैदा हो जाता है अपने बाप का दादा का बदला लेने के लिए। तो उनके साथ भी यही हुआ। जब 1016 में स्वेन को मार गिराया गया तो उनके बेटे आ गए सीनट और उन्होंने एथेलार्ड को मार के इंग्लैंड की गद्दी संभाली। और इतना ही नहीं, सीनट ने एथेलार्ड की पत्नी से भी शादी कर ली। तो सीनट का जो राजकाल था वो चला 1035 ईस्वी तक। फिर उनके बेटे राजा बने, उनके पोते राजा बने, सब कुछ मतलब सब पूरा सही से चल रहा था। लेकिन इन्हीं के एक रिश्तेदार ने फिर बगावत कर दी, वो थे नॉर्मेंडी के राजा विलियम I। नॉर्मेंडी जो कि फ्रांस का इलाका है, जिनके लोगों को नॉर्मन कहा जाता है। तो विलियम I का जो राजकाल था वो चला 1066 से 1087 तक। और इस बीच इंग्लैंड में भी और फ्रांस में भी दोनों जगह कई सारे परिवर्तन आए, कल्चर में, भाषा में, पहनावे में। और इंग्लैंड और फ्रांस में इस बीच काफी मजबूत संबंध कायम हुए थे। तो फिर विलियम I के बाद उनके बेटे आए हेनरी I। तो जब 1100 ईस्वी में विलियम I की मौत हुई तो उनके बाकी दो बेटों ने इंग्लैंड और नॉर्मेंडी पे अपना अपना कब्जा कर लिया। तो विलियम II हो गए नॉर्मेंडी के राजा और रॉबर्ट हो गए इंग्लैंड के राजा। अब बचे हेनरी I। तो अब इनके लिए तो डूब के मरने की बात आ गई थी, क्योंकि इनके भाइयों ने इनका राज छुड़ा लिया। तो ये भी बाद में रॉबर्ट के साथ मिलके विलियम को हराने की योजना बनाने लगे। 1100 ईस्वी में विलियम II की किसी दुर्घटना में मृत्यु हो गई, इंग्लैंड के राजा हो गए हेनरी I। बाद में 1106 में इन्होंने रॉबर्ट को हरा के नॉर्मंडी को भी अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया। तो 1135 में
हेनरी फर्स्ट ने अपने मरने से पहले अपनी बेटी को, जिनका नाम था मैडलिन, उनको उत्तराधिकारी चुना था। लेकिन तब तो दकियानूसी पर नाश से भी ज्यादा था, और वहां के मंत्रियों ने कहा कि लड़की हम पे शासन नहीं करेगी। तो जो हेनरी फर्स्ट की बहन थी, उनके बेटे को राजा बनाया गया, और इसी वजह से मैडलेड ने अपने पति के साथ मिलके 1144 में नॉर्मेंडी पे अपना कब्जा जमा लिया। और फिर बाद में उनके बेटे हेनरी सेकंड ने 1154 में पूरे इंग्लैंड पर अपना राज जमाया। तो 1189 में जब हेनरी सेकंड की मृत्यु हुई, फिर उनके पुत्र आए रिचर्ड फर्स्ट, और ये रिचर्ड फर्स्ट का ही समय था जबकि यूरोपियन ईसाइयों ने यरूशलम को मुसलमानों से आजाद कराने के कई प्रयास किए थे। इस बीच कई लोग मारे गए, कई घायल हुए, जिसे इतिहास में थर्ड क्रूसेड कहा जाता है, जिसमें यरूशलम युद्ध पर जाते समय रिचर्ड फर्स्ट बंदी बना लिए गए, और फिर बदले में कई किलो चांदी देकर उन्हें छुड़ाया भी गया। फिर उसके बाद उनके भाई जॉन आए, फिर जॉन के बेटे हेनरी थर्ड राजा बने। तो हेनरी थर्ड जब राजा बने, उनकी उम्र थी केवल 9 साल, और फिर वो 1216 से 1272 तक राजा बने रहे। और हिटलर के पहले एडवर्ड फर्स्ट ऐसा आदमी था जिन्होंने ज्यूस को इंग्लैंड से भगाने का आदेश दे दिया था। फिर 1307 में एडवर्ड फर्स्ट के बेटे एडवर्ड सेकंड आए, 1327 में एडवर्ड सेकंड के बेटे एडवर्ड थर्ड, और 1377 में एडवर्ड थर्ड के बेटे रिचर्ड सेकंड ये राजा बने। फिर 1413 ईस्वी में जाके गद्दी मिली हेनरी फिफ्थ को। तो जो 300 सालों से गद्दी पर फ्रेंच मूल के राजा बैठते आ रहे थे, हेनरी फिफ्थ थे अंग्रेजी मूल के, हालांकि पूर्वज इनके भी यही थे। फिर हेनरी फाइव के बाद उनके बेटे आए हेनरी सिक्स, एडवर्ड फोर्थ, एडवर्ड फाइव, और 1485 में ये राजा बनते रहे। हेनरी सेवेंथ राजा बने, जो था अब तक का सबसे अमीर राजा। अब अमीर बना कैसे? जनता पे लगा दिया टैक्स, अपनी तिजोरी भरते रहे, और अपने बेटे हेनरी एट्थ के लिए खूब सारा खजाना छोड़ के गए। फिर हेनरी एट्थ ने गद्दी संभाली 1509 ईस्वी में। ये हेनरी एट्थ ही थे जिन्होंने इंग्लैंड के इतिहास में कई बड़े बड़े परिवर्तन किए थे। इन्होंने राजशाही को चर्च से अलग कर लिया और खुद बन गए चर्च के हेड। अब चूंकि उस समय राजशाही में और राज के बड़े बड़े निर्णय लेने में चर्च बहुत दखलंदाजी किया करता था, फिर बाद में इन्होंने अपने राज में पार्लियामेंट भी बनाई जो कि राज के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में इनकी मदद करती थी। इसके अलावा हेनरी एट्थ को अपनी 6 शादियों के लिए याद किया जाता है, जिनमें अपनी 5 रानियों को तो उन्होंने मरवा ही डाला। फिर आई हेनरी एट्थ के बाद उनकी बेटी मैरी फर्स्ट, जो कि बनी इंग्लैंड की पहली क्वीन। फिर मैरी फर्स्ट के बाद आई क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इंग्लैंड के इतिहास का सबसे शांतिपूर्ण समय जो था वो इन्हीं के राजकाल का था। इन्हीं का समय था जब इंग्लैंड में कला और साहित्य को बहुत बढ़ावा मिला। महान नाटककार शेक्सपियर भी इन्हीं के जमाने में हुए हैं, और इन्हीं का समय था, इसलिए इस थिएटर को एलिजाबेथन थिएटर कहा जाता है। अब चूंकि एलिजाबेथ ने शादी की नहीं थी, इसलिए इनके बाद राजा बने जेम्स सिक्स, जिनको जेम्स सिक्स भी कहते हैं और जेम्स फर्स्ट भी कहते हैं। अब जेम्स सिक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि स्कॉटलैंड के ये जेम्स नाम के छठे राजा थे, जबकि इंग्लैंड के जेम्स नाम के थे पहले राजा, और ये जेम्स फर्स्ट ही थे जिन्होंने स्कॉटलैंड और आयरलैंड को अब इंग्लैंड साम्राज्य में जोड़ा था। जब 1625 में जेम्स के बेटे चार्ल्स फर्स्ट राजा बने, तो बवाल उठ खड़ा हुआ क्योंकि राजा और पार्लियामेंट बनी नहीं। ये थे जो चाहते थे राज की पूरी निर्णय शक्ति इन्हीं के हाथ में हो, तो इस वजह से स्कॉटलैंड में और इंग्लैंड में दोनों जगह गृह युद्ध छिड़ गया, और इंग्लैंड की पार्लियामेंट ने अपने ही राजा को गिरफ्तार कर लिया और 1649 में उसे मौत की सजा सुनाई। तो 1649 में इंग्लैंड से पहली बार राजशाही हटाई गई थी। कॉमनवेल्थ ऑफ इंग्लैंड नाम से एक समिति बनाई गई जो कि तब राज के कई सारे निर्णय लेती थी, लेकिन बहुत समय तक चला नहीं है क्योंकि 1660 में चार्ल्स फर्स्ट के भी बेटे आ गए, चार्ल्स सेकंड, जिन्होंने इंग्लैंड पर आक्रमण किया और फिर से वहां पे राजशाही स्थापित की। फिर 1689 में विलियम थर्ड राजा बने, और ये अपने पुराने राजाओं से थोड़े अलग थे क्योंकि ये कैथोलिक नहीं थे, ये थे प्रोटेस्टेंट। फिर 1702 में विलियम थर्ड की मौत के बाद उनकी बहन आई, जिनका नाम था एने, और जो हमारे न्यूटन बाबा हुए ना, ग्रेविटी वाले हैं, आइजैक न्यूटन, तो उनकी एने के राज ने बहुत मदद की थी, और उस समय रानी ने उन्हें पुरस्कार भी दिया। और रानी एने ने अपनी पार्लियामेंट के साथ मिलके एक ऐसा कानून बनाया कि अब से कोई कैथोलिक राज का राजा नहीं बनेगा, इसके चलते एने के कजिन जॉर्ज फर्स्ट राजा हुए थे। अभी जॉर्ज फर्स्ट का समय था जब इंग्लैंड से राजशाही को थोड़ा खत्म किया गया
और उसकी जगह कैबिनेट गवर्नमेंट बनाई गई, जिसके चलते अब चुनाव के द्वारा प्राइम मिनिस्टर की नियुक्ति होने लगी। फिर जॉर्ज फर्स्ट के बाद उनके बेटे आए जॉर्ज सेकंड, फिर जॉर्ज सेकंड के बेटे जॉर्ज थर्ड राजा बने, और जॉर्ज थर्ड जो थे वो अब तक इंग्लैंड के इतिहास में सबसे ज्यादा राज करने वाले राजा थे, जिन्होंने 1760 से 1820 तक राज किया, 60 साल। और ये जॉर्ज थर्ड का ही समय था जब इंग्लैंड ने अमेरिका, अफ्रीका, एशिया, जगह जगह पे अपनी कॉलोनीज बनानी शुरू कर दी थी, और इंडिया में भी फ्रांस को हरा के अपना ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित किया। फिर जॉर्ज थर्ड के बाद उनके बेटे जॉर्ज फोर्थ राजा बने। तब तक ब्रिटेन एक वैश्विक शक्ति के रूप में उभर आया था, और अब ब्रिटेन हो गया था ग्रेट ब्रिटेन, जिसके बारे में कहते हैं कि यहाँ पर कभी सूरज डूबता नहीं था। फिर जॉर्ज फोर्थ के भाई विलियम फोर्थ जब सत्ता में आए तब उनकी उम्र थी 64 साल की, और इंग्लैंड में कई सारे सुधार कानूनों को लाने में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने चाइल्ड लेबर को खत्म कर दिया, इन्होंने स्लेवरी जो कानून था उसको भी खत्म कर दिया। और फिर विलियम फोर्थ के बाद उनकी भतीजी क्वीन विक्टोरिया जब रानी बनी तो उन्होंने अपने पूर्वजों के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 63 साल तक राज किया, 1837 से 1901 तक। और इस बीच 1876 में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इन्हें एम्प्रेस ऑफ इंडिया का भी खिताब प्रदान किया था। फिर 1901 में विक्टोरिया के बेटे एडवर्ड सेवेंथ राजा बने, जिनकी उम्र थी 60 साल, जिसके चलते केवल 8 साल राजा रह पाए। और 1910 में जब इनके बेटे जॉर्ज फिफ्थ राजा बने तो दुनिया भर में बहुत भूचाल मचा हुआ था, क्योंकि एक जगह वेस्टर्न कंट्रीज में सोशलिज्म का प्रभाव बढ़ रहा था, तो दूसरी जगह रूस में क्रांति हो गई थी, आयरलैंड ने अपने को ब्रिटेन से अलग कर लिया था, हमारे इंडिया में फ्रीडम स्ट्रगल बड़े जोरों शोरों से चल रहा था, और साथ में था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, वो तो खैर इंग्लैंड ने अपने अलाइज देशों के साथ मिलकर जीत लिया। लेकिन जब जॉर्ज फिफ्थ के बेटे जॉर्ज सिक्स राजा बने तो उनके लिए मुश्किलें कम नहीं थी, क्योंकि जहां एक और इनके पिताजी ने वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से निपटारा पाया था तो इन्होंने वर्ल्ड वॉर सेकंड में जीत प्राप्त की। इन्हीं का समय था जब भारत को स्वतंत्रता मिली थी, और इस तरह जॉर्ज सिक्स भारत के आखिरी शासक के रूप में जाने जाते हैं। 1952 में जॉर्ज सिक्स की मृत्यु हुई। 1952 से लेकर अब तक जिन्हें राज करते करते 70 साल से ज्यादा हो गए, और जिनकी खुद की उम्र 95 से ज्यादा की है, राज क्वीन एलिजाबेथ सेकंड अपने पूरे परिवार के साथ बकिंगम पैलेस में रहती हैं, क्योंकि 1837 से इंग्लैंड के राजा या रानी का घर बना हुआ है। और क्वीन एलिजाबेथ के बेटे चार्ल्स ये ब्रिटेन के उत्तराधिकारी हैं, जिनकी उम्र है फिलहाल 72 वर्ष की, और चार्ल्स के भी अलावा इनकी 3 और संतानें हैं, एने, एंड्रयू और एडवर्ड। प्रिंस चार्ल्स के भी 2 बेटे हैं, विलियम और हैरी, जिनमें से विलियम आगे चल के ब्रिटेन के उत्तराधिकारी होंगे। इसके अलावा रानी की कुल 8 पोते पोतियां यानी कि ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, और 11 ग्रेट ग्रैंड चिल्ड्रन हैं। अब इतना बड़ा परिवार, इसमें इतने सारे लोग हैं जिनके नाम लेते लेते सुबह से शाम हो जाए, इनका इतिहास, हैरानी की बात है ना कि 1300 साल पुराना इतिहास भी हमारे सामने मौजूद है। कैसे? तो इसका सीधा सा जवाब ये है कि जो अपना इतिहास लिखता है, जो अपने समय में अपना वर्तमान लिखता है, उसे ही भविष्य में याद किया जाता है। तो हमारी यानी कुल वृक्ष की यही मुहिम है कि हम लोगों के इतिहास को डॉक्यूमेंट करते हैं, उसे संजो कर रखते हैं, ताकि जो उनकी आने वाली पीढ़ियां हैं वो अपने इतिहास को जान पाएं, अपने परिवार, अपने कुल के इतिहास को जान पाएं। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके पास अपने पूर्वजों की जानकारी है, अपने परिवार की वंशावली है, और अगर आप उसे अपने भविष्य में आने वाली पीढ़ियों के लिए संजो कर रखना चाहते हैं, तो उसमें कुल वृक्ष आपकी मदद करेगा। धन्यवाद। सब्सक्राइब करें कुल वृक्ष के यूट्यूब चैनल को, और रोजाना की अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।